हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय सेल्फ निमिशा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे BVUCOE भी कहा जाता है। पुणे महाराष्ट्र में बेसिकली लोकेटेड है। हम इसके बारे में जानेंगे कि यार कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट्स यहाँ से परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, प्लेसमेंट से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, एंड एट द एंड हम एक स्टूडेंट खबरी का रिव्यू भी देने वाले हैं इस पूरे इंस्टीट्यूशन को ऑन 6 पैरामीटर्स। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ, बिकॉज अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यही आपको मिलती है रिगार्डिंग डिफरेंट कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिलेगी, एग्जाम्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यही मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको हमको सब्सक्राइब करना होगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करना मत भूलें, क्योंकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की लिंक्स हम वही प्रोवाइड कराते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, परफेक्ट यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं। पहले हम बेसिक से अगर चालू करें तो भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, AICTE एंड MBA अप्रूव्ड है। ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1983, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है जो भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड NAAC ग्रेड A के थ्रू उसको अपग्रेडेशन मिला हुआ है। बहुत सारे कोर्सेज स्टूडेंट्स यहाँ से परस्यू कर सकते हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज मेन इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपको स्पेशलाइजेशंस बहुत सारी मिल जाती हैं। अगर स्टूडेंट्स B.Tech करना चाहते हैं जिसमें 1 से 2 लाख का आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा आ सकता है, तो आप 12 स्ट्रीम्स में B.Tech कर सकते हैं। नेमिंग द स्ट्रीम्स अगर हम बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन अ मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स जैसी कुछ स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट्स कर सकते हैं यहाँ से B.Tech। वहीं आपको BVP CET जो आपका एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। फिर स्टूडेंट्स B.Tech कर सकते हैं, लैटरल भी कर सकते हैं। देन 10 स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल है: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स में आप अपना B.Tech लैटरल कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो M.Tech भी यहाँ पे अवेलेबल है। 8 स्ट्रीम्स में आप अपना M.Tech कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैट, सैम, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड वेलसी डिज़ाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनंसिएशन। ये सारे कोर्सेज, ये आपके स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होते हैं M.Tech के अंदर। तो ये थे कोर्स जो आप यहाँ से इजिली परस्यू कर सकते हैं। वन ऑफ द पॉपुलर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे B.Tech अगर आप करना चाहते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन में, तो आपको क्वालिफाई करना होता है एग्जाम लाइक BVP CET, JEE Mains, महाराष्ट्र CET यानी MHT CET जो आपका एग्जामिनेशन होता है। इन सब के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, इसकी रैंकिंग के बेसिस पे, जिसमें आपका जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स देखा जाता है वो आपका 10+2 का देखा जाता है, यानी 12 के सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपने किया है या नहीं, एंड जनरल कैटेगरी में है अगर आप, तो आपका 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स में काम चल जाता है। एंड वहीं अगर आप दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ST, SC, OBC, 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स भी अगर आपके हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ना अगर हम M.Tech की बात करें तो BVP CET एंड गेट जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। B.Tech विल बी द रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो B.Tech की डिग्री होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम अ रेलेवेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल होती हैं काफ़ी सारी होती हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स भी अवेलेबल होती हैं। अगर आपकी कम परसेंटाइल है तो भी पॉसिबल है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। कैसे अगर आपको जानना है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। कॉल या मैसेज करिए, डायरेक्टली बात करें हमारे काउंसलर से एंड ये रियलिटी के बारे में आप जान सकते हैं। रियलिटी से याद आए, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है प्लेसमेंट से रिलेटेड कि यहाँ पे यानी भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में आपको प्लेसमेंट्स कैसे मिलते हैं, क्या हाईएस्ट लोएस्ट पैकेजेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो हमने काफ़ी रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो हमें पता चला है कि यहाँ का हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक गया है वो 34 लाख के आसपास जा चुका है, एक साल में जा चुका है। और बी, तो आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि यार क्या आपको पैकेजेस यहाँ पे मिल सकते हैं। वहीं अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज हर साल आता है, 18 लाख का सेकंड हाईएस्ट भी गया है यहाँ पे। ऐसे कुछ पैकेजेस आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो अभी तक स्टूडेंट्स यहाँ से परस्यू कर चुके हैं उनको मिल चुके हैं। रिक्रूटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी रिक्रूटिंग कंपनीज यहाँ पे आती हैं, एंड सम ऑफ द कंपनीज को हम स्पेसिफाई करें तो आदित्य बिरला ग्रुप जो कंपनी है वो यहाँ आ चुकी है अपने प्लेसमेंट्स के लिए, अपने दूसरे स्टूडेंट्स को हायर कर चुकी है। देन डेल आ चुकी है, कॉग्निसेंट आ चुकी है, आइडिया आ चुकी है, इन्फोसिस आ चुकी है, टाटा मोटर्स, HSBC आ चुकी है, डेलॉयट आ चुकी है, एक्सेंचर, विप्रो, एंड देन आपको नोकिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज एंड ब्रांड्स के अंदर काम करने का मौका मिल सकता है अगर आप एक राइट कैंडिडेट हैं तो। बट ये कितना सच है कितना नहीं, यानी कि ये जो कंपनीज हैं ये कौन कौन से पैकेजेस के लिए आ चुकी हैं, या आप अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कि ये कंपनी क्या मेरी स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, क्योंकि आप जानते हैं बीटेक में बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, एमटेक में बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, तो अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए आती हैं। अगर इससे रिलेटेड भी आपको या इससे रियलिटी से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट्स हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जान सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, हमारे काउंसलर से बात करके, क्योंकि उनके पास पूरे एनालिस्ट रहते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी ये मैंने आपको प्लेसमेंट के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फैसिलिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हो जाती हैं अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं पढ़ाई करने गए आने का सोच रहे हैं पुणे साइड। तो बेसिक फैसिलिटीज़ ये आपको सारी देता है, मेडिकल लेबोरेटरी, जिम, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ ईजिली आपको यहाँ पे मिलने वाली है, एंड कंफर्ट जोन आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ क्या है। तो हमने कवर कर लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक कोर्स के बारे में, एडमिशन के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में। अब हम आते हैं फाइनली एक ओवरऑल रेटिंग देने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज को। 6 पैरामीटर्स पे हम बात करने वाले हैं जो है एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अकोमोडेशन, प्लेसमेंट्स, फैकल्टी एंड सोशल लाइफ। ये हम 1 to 10 के रेशियो में बताने वाले हैं कि कैसा हम स्टूडेंट खाबरी इसको रेट करने वाला है। एक ओवरऑल रेटिंग की बात करते हैं। सो जो ये रेटिंग मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो रेटिंग होती है ये कलेक्टिव रेटिंग होती है। अलग अलग स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे स्टूडेंट खबरी का रिव्यू फॉर्म भरते हैं, फिर उनने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके अलग अलग लोगों से रिव्यू लेके एक फाइनल अपना रिव्यू हमने बनाया है। एंड अगर अकेडमिक्स की बात करें तो काफ़ी मिक्स रिव्यू मिला है, तो हम इसको रेट करने वाले हैं 7.2 out of 10। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 7.5 out of 10। अकोमोडेशन की बात करें तो थोड़े से खराब रिव्यूज़ भी मिले हैं, मे बी बिकॉज स्टूडेंट्स को इतना अच्छे सर्विसेज हॉस्टल की अच्छी नहीं लगी हो, तो हम यहाँ पर रेट करने वाले 6 out of 10। प्लेसमेंट्स की बात करें तो अगर हाईएस्ट पैकेज रियली ये है तो प्लेसमेंट के हिसाब से 7.1 out of 10 हम यहाँ पे रेट करने वाले हैं। फैकल्टीज़ की बात करें तो 7 out of 10। एंड फाइनली सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ डिपेंड करती है कि आपको कैसा बैच मिलने वाला है, आप कितना एंजॉय करते हैं। अभी तक जो स्टूडेंट्स ने एंजॉयमेंट करी है उसके बेसिस पे बताया तो सोशल लाइफ जो है यहाँ पे 8 out of 10 हम रेट करने वाले हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आज हमने भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में जाना है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है एंड जो लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। इन केस मुझसे कोई टॉपिक रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वॉज मी निमिशा सचरानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड।